हेलो गाइस, तो सोवियत सल्लड़े गेम में आपका स्वागत है। वेलकम टू डेली टेक्निकल हैशटैग 92। जी हाँ, आज 92 टूथ नहीं 92 टेक न्यूज है। और दोस्तों 8 चाहिए, उसके बाद हम मारेंगे सेंचुरी। जी हाँ, एनीवेज दोस्तों, आज दोस्तों मंडे है और आपको तो पता ही है, जो लोग टेक में है उनको तो पता ही है कि भाई मंडे होता है तब गर्मा गर्म माहौल होता है और बाल्टी भर के टेक न्यूज़ आती है। तो आज भी आपके लिए पूरा बोरा भर के टेक न्यूज़ लेके आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के ऊपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट आज की टेक न्यूज़। शुरुआत करेंगे सीधा यहाँ पर रियलमी से। जी हाँ दोस्तों, आज रियलमी ने ना प्रूव कर दिया है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी कर सकता है। जिस प्राइस पे उसके प्रोडक्ट्स आए, जिस प्राइस पे उसका स्पेशली टीवी आया है, मैं सरप्राइज्ड हूँ। मैं अभी तक मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि भाई कैसे प्राइस बैठी। अगर आपको जानना है क्या क्या लॉन्च हुआ तो जाइए, यहाँ पर काट देता हूँ, यहाँ पर लिंक होगा, आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख के आइए। अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही होगा, उधर भी नहीं होगा तो चैनल पे जाके देख लो। और एनीवेज दोस्तों, 4 प्रोडक्ट रियलमी ने इंडिया में तो लॉन्च किया और 8 प्रोडक्ट ग्लोबली लॉन्च किए, यानी कि चाइना में। तो हाँ, उधर आपको पता है X50 उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है, बाकी सब लॉन्चिंग कल हो गए। तो हाँ, 25 मई को आज होने वाला था तो हो चुका है आज ही लॉन्च। उसमें काफ़ी कुछ आया है, रियलमी बर्ड्स क्यू प्लेयर एडिशन वाला है, X50 Pro, जिसका प्राइस काफ़ी अच्छा है, 27,000 का है। और मुझे ये प्राइस काफ़ी अच्छा लगा, मतलब हाँ ये प्राइस काफ़ी अच्छा है, जिस मतलब काफ़ी कमाल का डिज़ाइन में उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। वो उसका कैमरा मॉड्यूल है वो उधर ही है, पता नहीं रियलमी को क्या सूझा, उधर ही चिपका के रखा है कब से, जब से आया है। एनीवेज दोस्तों, और साथ में उनका पावर बैंक, 2 पावर बैंक उधर लॉन्च होगी, कि जो इंडिया में पहले वाला आया था वो तो उधर लॉन्च ही नहीं हुआ, तो दोनों भी कर दिए लॉन्च। साथ में रियलमी बर्ड्स क्यू, रियलमी बर्ड्स एंड नियो भी उधर लॉन्च हो गए और इधर भी आज हुए। पता नहीं रियलमी बर्ड्स क्यू कब आएंगे अपने घर पर, क्या इंडिया में। जी हाँ, तो आई डोंट नो, काफ़ी कुछ लॉन्च हुआ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लॉन्च हुई। और दोस्तों, एज़ यूजल माधव शेठ जी जो रियलमी के CEO हैं इंडिया के, वो रह नहीं सकते हिंट देने के बगैर। जी हाँ, तो उन्होंने हिंट दे दिया है और बता भी दिया है कि फ्यूचर में, यानी कि वही जून में वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, जब भी उनका इवेंट होगा, साउंड बार। जी हाँ, रियलमी का साउंड बार जो आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो रियलमी का टीवी है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि शाओमी जब टीवी लाया था तब फ्रिज सब लेके उठा, मतलब सब लेके आ गया। वैसे आपको कैसा लगा रियलमी के प्रोडक्ट्स, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल तो डाला ही है, उधर आप दे देना जवाब। अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो कर लीजिए, वारिन लखनानी नाम है, जाइए इंस्टाग्राम पे, पोल में पार्टिसिपेट कीजिए और उसका मैं जो कल दूंगा जो उसका है। और मैंने उधर पूछा भी है कि आप सबसे ज़्यादा आपको कौन सा चीज़ पसंद है, तो जाइए पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम सैमसंग की। जी हाँ, मतलब रियलमी का हो गया, मतलब अभी सैमसंग, रियलमी की आज कोई न्यूज़ नहीं है इसके अलावा। और अब सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि जून में, जी हाँ जून में, सैमसंग M, जून के फर्स्ट वीक में ही सैमसंग M सीरीज का दो स्मार्टफोन्स और A सीरीज के एक स्मार्टफोन निकलने आने वाला है जून के फर्स्ट वीक में। तो उनमें से दो, मतलब सबका नाम पता चल जाए, सैमसंग का M01 और M11। जी हाँ, ये दो फोन्स हैं, M11 और M01। M01 होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 439 वाला पुराना जमाना पुराना प्रोसेसर मिलेगा, साथ में M11 जो है उसमें आपको 439, जी हाँ नहीं 439 नहीं 450, जो कि वो भी वही है पुराने ज़माने का प्रोसेसर। लेकिन दोस्तों, A31 काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलेगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें शायद स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर हो, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हमें फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही पता चलेगा, मतलब जब ये लॉन्च होता है। वैसे क्या आप एक्साइटेड है सैमसंग के M11, M01 और A31 के लिए?
आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों आपके अगले खबर की ओर बढ़े। यहाँ पर वन प्लस की तरफ से दोस्तों वन प्लस के मैक्स जे, जी हाँ, उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट डाला है कि उन्होंने एक फ़ोटो ही डाल दिया कि जुलाई के महीने में, उन्होंने पहले भी डाला था कि कुछ वन प्लस जेड आने वाला है, उसके बाद अभी ये डाला है। जी हाँ, वन प्लस बर्ड्स उन्होंने नाम भी दे दिया कि यही नाम होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फोटोशॉप भी हो सकता है, तो प्लीज़ ज़्यादा यकीन मत कीजिए। तो हाँ, वन प्लस टी डब्ल्यू एस अकेले तो नहीं आएंगे, तो शायद हो जाए ऐसा कि वन प्लस जेड आ जाए, जो जिस फ़ोन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार ये करीब 20 to 25,000 या फिर उससे ऊपर तो होगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत किंग बैठे हैं। जी हाँ, एनीवेज, तो आपका क्या ख्याल है वन प्लस के टी डब्ल्यू एस या फिर वन प्लस के बड्स के बारे में? और इसका जो शेप आप देखोगे, उसका जो केस का शेप है, वो पिक्सल बड्स से मैच करता है, और जो एयरपॉड्स का साइन है, वो बड्स का साइन है, वो इससे एप्पल से मिलता है। तो एप्पल और पिक्सल का मतलब क्या मिक्सचर बना के कुछ लॉन्च करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं, ये तो हमें जुलाई के महीने में ही पता चलेगा। चलिए स्वागत करते अगले खबर की ओर, और यहाँ पर ओप्पो की तरफ से, जी हाँ, ओप्पो की तरफ से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ओप्पो रेनो 4 कैसे लॉन्च हो सकता है, क्योंकि चाइना में 4 को बहुत ही बुरा मानते हैं, मतलब 4 मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडिया, हम कहते हैं ना इंडियंस अपशगुन, वैसा मतलब बुरा चीज़। जी हाँ, तो मुझे नहीं पता ओप्पो का रेनो 4 कैसे आ रहा है, बट आ रहा है। ऑफिशियली ओप्पो ने ही कन्फर्म करके बताया चाइना में आ रहा है जून के महीने में तो आएगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसके साथ दो चीज़ आएगी, एक तो ओप्पो के M31 उनके जो ईयरबड्स हैं वो, और वो जो इंडिया में आ चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। और साथ में ओप्पो की ओ बैंड, जी हाँ, ओप्पो की ओ बैंड, क्या नाम रखते हैं, क्या सोच के ये नाम रखते हैं ऐसे आड़े तेड़े, वो जैसे वो पोको पॉप बर्ड्स क्या। एनीवेज, रेनो 4 के साथ में ओप्पो की ओ बैंड भी देखने को मिलेगी, तो अभी ये इंडिया में भी आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिए, और मैं आपको बता दूंगा कि भाई कब आएगा कब नहीं आएगा। और मुझे एक चीज़ बताइए आप कमेंट करके कि मैं क्या रोज़ दोपहर में भी वीडियो डालूं, या फिर कभी कभी लॉन्च होता है तभी डालूं, आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि कंटेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। जी हाँ, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही तो बनाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी बैठ के बना दूं वीडियो कुछ भी। एनीवेज, आप बताइए मुझे कमेंट करके क्या रोज़ चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रोज़ वीडियो दे पाऊँ। चलिए, वैसे आप बताइए कमेंट करके कि भाई ओप्पो रेनो 4 स्पेशली 4, जी हाँ, रियलमी ने भी नहीं लाया, रियलमी का 4 जो है 4 प्रो खा गए रियलमी वाले, मतलब लॉन्च नहीं किया उन्होंने। और तो जी हाँ, ओप्पो रेनो 4 नंबर 4 के बारे में आपका क्या कहना है, आप चाइना में जाके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो क्या आप। चलिए दोस्तों, बात करते अगले खबर की ओर, और यहाँ पर शाओमी की तरफ से, जी हाँ, शाओमी ने अजीबोगरीब पेटेंट फाइल कर दिया है। जी हाँ, और मतलब फोल्डेबल फ़ोन वाला पेटेंट, इसमें आपको 7 कैमरा मिलेंगे। जी हाँ, 7 कैमरा, ये कोई नई बात नहीं है, वैसे भी फ्यूचर में हमें 10 पता नहीं कितने कैमरा मिल जाए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, या फिर पूरा फ़ोन ही कैमरा कैमरा हो जाए। एनीवेज दोस्तों, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, मतलब रोटेटेबल है वो, आपको डिस्प्ले आप रोटेट कर सकते हो गोल गोल, एक तो फोल्डेबल तो है ही और रोटेट भी होती है, क्या ही बना दिया फ़ोन को। जी हाँ, तो आपका मतलब शाओमी अतरंगी चीज़ें कर रहा है फ़ोन के साथ, आपको क्या लगता है ये पता नहीं कब आएगा, अभी तो सिर्फ पेटेंट है, आने तो दो, अभी टीजर्स आएंगे, अगर लॉन्च होगा तो पता नहीं कब होगा। चलिए दोस्तों, लगे हाथों दोस्तों रेडमी K30i, मुझे लग रहा है कि ये जो K30i है वो गलती से चाइना में लॉन्च हो चुका है, क्योंकि एकदम सेम स्पेसिफिकेशन से जैसे रेडमी का K35G है 765G प्रोसेसर के साथ में, कितना बोलता हूँ। एनीवेज, तो रेडमी K30i में सब कुछ सेम है, सिवाय क्वाड कैमराज भी है, लेकिन सिर्फ एक कमी है कि आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों किया, क्या गलती से फ़ोन लॉन्च कर दिया K30i नाम का, या फिर कुछ अलग ही माजरा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। लगे हाँ तो दोस्तों पोको, जी हाँ, पोको पोको पोको, जी हाँ, पोको की तरफ से खबर आ रही है,
चाइना की एक वेबसाइट है उस पर 10 पोको के फोन्स लिस्ट हो चुके हैं। ये मुकुल शर्मा यानी कि स्टफ लिस्टिंग्स आपको पता होगा, तो उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर 10 नए पोको के फ़ोन ट्रेडमार्क हो चुके हैं और हम इधर मर रहे हैं, जल रहे हैं कि भाई कब आएगा पोको का फ़ोन नया। जी हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पोको X2 के बाद इतना लंबा होल्ट ले लिया, अब आना चाहिए वरना हमारा खून खोलेगा। जी हाँ, वैसे आपको क्या लगता है पोको के 10 फ़ोन के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, आईकू की तरफ से खबर आ रही है, आईकू जी हाँ, आईकू U1। मैंने आपको तभी सैटरडे की टेक न्यूज़ में बताया, सैटरडे तो दिया नहीं था, फ्राइडे की टेक न्यूज़ में बताया था कि आईकू U1 जी हाँ एक ट्रेडमार्क ले लिया आईकू ने और सभी ले लिया U9। मतलब क्या होता है दोस्तों, U1 लिया है ना तो अभी U9 भी ले लिया, तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी फ़ोन होंगे ना वो पूरे नंबर्स के साथ आएंगे। मतलब ये अकेला स्टैंड अलॉन्ग फ़ोन नहीं होगा, इसकी पूरी सीरीज होगी, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9। जी आपको क्या लगता है इस U के चक्रव्यूह के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, का अगले खबर क्या रोने, यहाँ पर पबजी मोबाइल, जी हाँ पबजी मोबाइल का कॉम्पिटिटर बहुत ही जल्दी आ रहा है और ये इंडियन, जी हाँ इंडियन का जो इंडियन एक यूट्यूबर है उनके द्वारा बन रहा है ये गेम, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये प्ले स्टोर पे भी आएगा, एंड्रॉयड के साथ iOS बहुत ही जल्दी आएगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों, अगर इंडिया वाले पबजी जैसी गेम्स लाएंगे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं पबजी नहीं खेलूँगा। अगर वैसी गेम्स लाएंगे तो मतलब सेम टाइप गेम्स, क्योंकि पबजी ऑब्वियसली चाइना की है और अब इंडियन गेम्स खेलेंगे तो हमें भी प्राउड होगा कि हम इंडियन गेम्स खेल रहे हैं। जी हाँ, इंडिया में बनी हुई इंडियन गेम्स हम खेल रहे हैं। अब एक ही चीज़ में, अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो जो आप बना रहे हो वो, जी हाँ उनको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों नहीं मतलब कि भाई पबजी को अगर आपको कम्पीट करना है तो COD से कुछ सीखिए। जी हाँ, COD दे मतलब एकदम कॉम्पिट दे रहा है। जी हाँ, आपको सेम ग्राफिक्स जैसा गेम देना है, सेम टू सेम छापा तो मत मार देना, लेकिन यार ऐसा टाइप का कि जो पबजी में हमें मिसिंग लगे। जी हाँ, ऐसा लगे कि भाई पबजी करते आए हम खेलेंगे ये रूग हाइस्ट, इसका गेम भी आ गया, नाम भी आ गया रूग हाइस्ट इसका नाम है। जी हाँ, और ये अभी प्ले स्टोर पर सून अवेलेबल हो जाएगी, अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप गूगल प्ले पे जाके कर सकते हो, गूगल प्ले ऐप पे मत जाना, क्रोम पे लिखना, उधर शायद मिल जाए आपको रूग हाइस्ट। तो हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि पबजी को ये कम्पीट करने के लिए आ सकता है और अंडर 600 MB। जी हाँ, तो हाँ मैंने ये जो चीज़ की है तो ही आप पबजी को कम्पीट कर सकते हो, वरना पबजी के बहुत सारे फैंस और बहुत ही ख़तरनाक गेम, उसको कोई हरा नहीं सकता, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ। जी हाँ, मतलब नहीं पबजी को इतने इजीली तो कोई हरा नहीं सकता। अब देखते हैं ये रूग हाइस्ट कब आती है, वो तो हमें जुलाई जून पता नहीं कब पता चलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खबर की और आखिरी खबर की, और हमारे यहाँ पर लावा की तरफ से, जी हाँ कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको कहा था कि भाई लावा ने 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया मार्केट में, इंडियन मतलब करने वाले हैं, तो यार लेकिन क्या फ़ायदा, वो लोग अच्छे फ़ोन्स लाते नहीं है। लावा इंडियन ब्रांड है, अगर आपको नहीं पता तो लावा इंडिया की ब्रांड है, और यार मतलब हम क्यों ले रियलमी शाओमी हम क्यों ले अगर हमें लावा जैसी ब्रांड अच्छी ब्रांड है, बट यार फ़ोन्स लाते नहीं अच्छे, नोकिया तो वैसे भी इंडियन नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई नोकिया इंडियन है, नोकिया है ना भाई, नोकिया साउथ कोरिया का ब्रांड है, आप कहाँ उसको इंडियन बना रहे हो। जी हाँ, लावा ही एक ब्रांड है जो इंडियन है, और जियो नहीं वो तो भाई गायब ही हो गया। जी हाँ, तो यार लावा आप ही एक कर सकते हो, आप ही ये चीज़ कर सकते हो कि भाई आप ही कर सकते हो, अच्छे फ़ोन्स ला सकते हो अच्छे प्राइसिंग पे, तो हम रियलमी शाओमी को ला जो है नहीं मतलब ना खरीदे। जी हाँ, लेकिन उनको भी कम्पीट करना बहुत मुश्किल है वैसे लगे हैं। तो दोस्तों लावा की तरफ से ये खबर आ रही है कि दोस्तों लावा का TWS ट्रेडमार्क हो चुका है। जी हाँ, इंडियन वेबसाइट पर, ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड है तो इंडियन वेबसाइट पर ही होगा ना, तो अब ये लावा का जो TWS है ये जल्दी लॉन्च हो सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा, फ़ोन तो है नहीं उनके और TWS का हम क्या ही करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है लावा के ईयरबड्स या फिर TWS के बारे में
आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों एक टाइम था, आपको तो पता है कि अभी हम अपने फ़ोन में अलार्म लगा के आराम से सो जाते हैं और सुबह को वो टंग टंग करके बच जाते हैं और हम उठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो सिंपल है, लेकिन ऐसा भी एक टाइम था कुछ जमानों पहले या फिर पता नहीं कब था, जब दोस्तों एक स्पेशल लोग थे जो सुबह सुबह उठकर, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो आपके वो डंडे मार मार कर उठाते, जी हाँ, दरवाजे पे डंडे मारते ताकि भाई उठो आवाज़ आए आपको। ऐसा चलता फिरता अलार्म था, अगर आप ऊपर रहते हो तो खिड़की पे देगा, जी हाँ। तो ऐसा भी एक टाइम था कि भाई चलता फिरता अलार्म था, और ये ज़्यादातर लंदन में होता था जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो ये फैक्ट था, काफ़ी लंबा था, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे ही ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आप जोर से सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके ऐसे ही गर्मा गर्म मसालेदार तड़कादार टेक न्यूज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और बताओ कमेंट करके क्या मैं रोज़ वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, आप कमेंट करके बताओ। बाय।